के बिना तो बाहर जा ही नहीं सकते। और दीदी ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। सो सुबह सुबह के 5:30 हो चुके हैं और मस्त दीदी गर्म पानी बना रही है हमारे लिए, जो कि क्या क्या आता है इसके अंदर, हाँ अदरक और हनी और नींबू, तीनों को मिक्स करके गर्म वाला पानी बना रही है। तो जैसे ही पानी बनता है, दीदी फिलहाल मिक्स कर रही है, तो जैसे ही मिक्सिंग कम्प्लीट होता है फिर उस पानी को पीते हैं और जिम के लिए निकलते हैं। भाई बहुत ही लेट हो रहा है, 5:30 बज चुके हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। पानी पी के फटाफट से बाहर आ गए, लेकिन जो हम रोज ग्रीन टी पीते हैं ना शाम को, तो वो तो बेटर है यार फिर भी, लेकिन उससे ज़्यादा कड़वा तो यही है जो कि अब सुबह सुबह जो पानी पीते हैं ना, सबसे अलग टेस्ट इसका आता है, जो कि अदरक और क्या है हनी और नींबू मिक्स करके एकदम उसका स्मेल ही एक अलग रहता है। ये कड़वा पानी पीने का रहो या फिर शाम को चाय या फिर जो भी लंच में जो खाने के लिए को, फ्रूट खाने के लिए को, सलाद खाने के लिए को, जो भी बोल रहे ना वो तो फॉलो कर रहे हैं। अभी एक दो दिन बाद वापस से डाइट चेंज होगा हमारा, हर वीक का कल से चेंज होगा, हर वीक अलग अलग डाइट रहता है गाइस, तो देखते हैं कल परसों कौन सा डाइट देते हैं। पर तो पहुँच गए, सो पहले चलते हैं अपने वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। सुबह तो कोई आया नहीं है यार, आज वीकेंड है ना इसलिए शायद कोई नहीं आया, तो यहाँ बैठे हैं और हम चलते हैं फटाफट से, फोन को रखते हैं सीधा अंदर। खत्म करके आ गए तो पहले थोड़ी देर, हाँ क्या क्या आप, तो थोड़ी देर हम दुकान पे बैठते हैं, आज दीदी को काम है कहते हैं तो वेटिंग करते हैं, जैसे दीदी आती है फिर घर पे चलते हैं। ठीक है तो अभी घर पे चलते हैं। तो घर आते ही पहले ब्लॉग को अपलोड कर दिया और नहाना वगैरह भी हो गया, तो पहले तो ब्रेकफास्ट करते हैं दीदी के साथ, मस्त बैठ के पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। हाँ तो बस वाला पोपट हो गया ना, देखो पानी आया 2 मिनट के लिए पानी आया, फिर वापस से चले गया आज तो पीने का पानी। हमने सोचा भाई पानी आ गया, पानी आ गया, आज बहुत ही जल्दी आ गया पानी, एक्चुअली रोज 10 बजे आता है और अभी तो बस 9:20 हुआ है, तो पानी है मेरे ख्याल से, रुको 2 मिनट, 8:45 को कुछ पानी आया होगा और वापस से 5 मिनट रहा बस पानी, 8:50 को वापस पानी चले भी गया। मैंने देखा यार पानी नहीं आ रहा क्या हुआ, बिल्कुल सबके पास पूछे तो सबके पास ही नहीं आ रहा, तो मैंने बोला भाई मोटर बंद कर रही थी, ऐसे ही चल रही है, वेस्ट ऑफ करंट, ऐसे हमारा बहुत बड़ा पोपट हो गया आज। तो पहले तो फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं, व्लॉग भी अपलोड हो गया, बस घर से बाहर निकल, क्यों उसको सफाई करने पोछा तू मारेगा बाद में, नहीं मास्क भाई घर से बाहर निकाल रही है दीदी मुझे, हाँ मास्क तो मैं ही नहीं यार, मास्क के बिना तो बाहर जा ही नहीं सकते, और दीदी ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। वही करूंगा फिर और क्या करेंगे, कि ब्लॉग अपलोड हो गया, आज से मेरा नेट भी खत्म हो गया था, बाजू वाले की वाईफाई ले ली और फटाफट से अपलोड कर दिया यार, आज घर से बाहर निकल गया मैं, बहुत ही बुरा हुआ। सब चलते ऊपर और देखते हैं आज भैया लोग क्या काम कर रहे हैं। जा ही रहा था और पीछे पीछे हमारा डॉग भी आ गया यार, आ जा ऊपर आ जाएगा भाई, अपने से पहले दौड़ जाएगा। वाह सबसे टफ फर्स्ट फ्लोर पे आ गया अभी तू, तेरे से खेलते चल आजा, काटना मत मुझे, दांत तो बहुत शार्प है तेरे। ये तो कोई पेंटर अंकल आज काम ही नहीं कर रहे, जब सुबह आए थे तब तो काम कर रहे थे, आ रहे थे तब तो काम कर रहे थे, शायद रेस्ट लेने के लिए कहीं पे बैठे होंगे, मुझे तो दिखे ही नहीं यार पूरे फ्लोर पे। वैसे तो घर इनका यहीं पे है, हमारे घर के बाजू में एक रूम था तो उनको दे दिया हमने, आ जा चल यार चलता है नीचे, भाई बहुत ही धूप गिर रही है, अभी तो दीदी एंट्री नहीं देगी, शायद काम हो गया होगा, पूछते हैं दीदी को यही से। निशा हो गया काम, अभी तक नहीं हुआ, ओ भाई इंतजार ही करना पड़ेगा, अभी तक नाप नहीं हुआ, कितने मस्त डॉगी के साथ ही खेलते हैं यहाँ पे, मजा आएगा। डॉगी तो मस्त बैठ चुका है भाई, एक बार यहाँ पे आया और वापस से वहीं पे छिया के बैठ गया, आज तो डॉगी खेलने में मूड में है ही नहीं कि देख जाके बैठ गया यार, तो हम भी बैठे रहते हैं मस्त छाव में बैठे रहते हैं और कर भी क्या सकते हैं। मुझे अभी अभी याद आया यार, हम एक काम कर सकते हैं, हमारी जो पतंग पड़ी थी ना मैंने इसी बिल्डिंग में छुपा के रखी थी, तो पतंग को लेके आते हैं, मस्त पतंग उड़ाते हैं भाई, हमारे साथ तो कोई उड़ा रहा नहीं है, लेकिन कोई नहीं हम अकेले उड़ाते हैं भाई, लेके आते पतंग, कहाँ पे रखी थी, पुराने वाले घर पे रखी थी मैंने, लेके आते प्रॉफिट। अभी वापस से याद आया कि मैंने नए वाले घर में रख दी थी उसको वापस से, तो वापस से घर पे चलते हैं, पतंगे मिल गई तो 2 पतंग ले लेते हैं, बाकी की 2 यहीं पे रख देते हैं, ये आ गई और अपना चेहरा क्या ऊपर पड़ा है भाई, कैसे निकाले पतंग तो मैंने वहाँ पे रख दी छाव में, और पहले पतंग उड़ाते हैं भाई, मैं अकेला उड़ा रहा हूँ,
मस्त इस कड़क धूप में बाकी कोई नहीं उड़ा रहा, तो पहले पतंग उड़ाते भाई, आंखें भी नहीं खुल रही है, पता नहीं कैसे देखूंगा मैं पतंग को। अभी हमारे पतंग तैयार है उड़ने के लिए, सब मस्त पतंग उड़ाते फट से नीचे आके मोटर लगा दिया। अभी असलियत में पानी आया यार, पहली बार की तरफ ओवर नहीं हुआ हमारा, पानी फिलहाल भर चुका है। मोटर को निकाल के फटाफट से अंदर लगा दिया मैंने। अभी आई पापा जी आए और भैया का टिफिन लेके गए, तो थोड़ी देर में पापा जी वापस आएंगे, फिर साथ में बैठ के लंच करते, तो पता नहीं और कितना टाइम लगेगा। दोपहर के 1:12 हो चुके हैं और देखते हैं पापा जी कितने देर में आते हैं। जस्ट अभी अभी निकले पापा भैया का टिफिन लेके। पापा जी फिलहाल आ चुके हैं तो हम भी लंच कर लेते हैं। अभी एग्जैक्टली 2:00 को आए पापा जी, बस थोड़ा चावल खाते जो कि दीदी ने बनाए थे और बहुत देर पहले बनाए थे ना, तो पूरे चावल चिपक चुके हैं एक दूसरे से, तो पहले तो थोड़े चावल लेते हैं, पहले चावल को पिचका लेते हैं, फिर आराम से सब्जी डाल के खा सकेंगे। अच्छी तो मस्त राबड़ी की सब्जी बनी है जो कि पापड़ की सब्जी समझ सकते हैं, पापड़ से ही बनती है एक्चुअली। थोड़ी सब्जी लेते हैं फिर लंच करते हैं। यार मेरा तो लंच हो चुका है, तो फिलहाल भी दीदी बैठी है लंच कर रही है। और यार आज सबको ये लो खाना खा लो। आज तो कोई काम करने के लिए नहीं आया, आज तो बस एकदम सब पड़ा है अपना कंस्ट्रक्शन, तो कोई भी काम नहीं कर रहा है आज, इसलिए मैं भी गया नहीं। बस सुबह गया था और पतंग की वैसे की वैसे छोड़ के आ गया, मैं पतंग उड़ाई भी नहीं, मैं उड़ाने कोशिश ही कर रहा था और दीदी का फोन आ गया, दीदी बोल रहे पानी आ गया नीचे आ जाओ थोड़ी हेल्प करानी है, तो फटाफट से हेल्प करा दी, पानी वगैरह से कभी घबरा दिया। तो अभी हम भी चलते हैं यार, आज कुछ काम करने के लिए नहीं तो सो ही जाते हैं भाई, क्या करें मस्त अंधेरे में सोते हैं, नींद आ जाएगी अपने से। तो अपना टेडी बियर अपने पास ही है, तो इसको है ना सर के नीचे रख के सोता हूँ, फिर देखता हूँ दीदी कैसे लेती है। भाई दीदी को देंगे नहीं आज, तो अपने पास ही रखेंगे अपना टेडी बियर। सो अभी शाम के 5 बज चुके हैं और अभी जाके नींद खुली है यार। सो अभी जहाँ पे भी सोए थे ना वो सारा बिगड़ चुका है, तो पहले इन सबको ठीक करते हैं भाई, बहुत ही बिगड़ चुका है, अगर दीदी ने देख लिया ना तो डांट देगी यार हमें, तो पहले इन सबको सही करते हैं। गद्दे वगैरह सही रख दिया और टेडी बियर को भी सही रख दिया भाई, ये तो गया नहीं। सो अभी चलते हैं और फेस वॉश वगैरह कर लेता हूँ, दीदी तो मस्त अपना अभी भी सोई रही है। बीच में तो दीदी जैसे उठी थी कि नींद एक बार खुली थी ना, तो दीदी अपना काम कर रही थी। अभी तक ऐसा लग रहा है नहीं जैसे 5 बजे, अभी मुझे ऐसे लग रहा है जैसे 3 या 3:30 ऐसा बज रहा है। तो यार फटाफट से पहले फेस वॉश करता हूँ। तो मम्मी जी वापस भी आ जाएंगे, क्योंकि मैं जब सो रहा था ना तो सोने से थोड़ी देर पहले मुझे को कॉल आया था और बोल रहे थे पापा जी को शाम को भेज देना बोल के, तो अभी थोड़ी देर में पापा जी निकलेंगे सीधा दुकान से वहीं पे चले जाएंगे, क्योंकि दुकान पे पड़ी है कार, तो पापा जी आके मम्मी जी को लेके आ जाएंगे। तो मैं तो फिलहाल भी एप्पल खा रहा था भाई, भूख लगी थी जस्ट चाय पी फिर भूख लगी, तो एप्पल खा रहा था कोई नहीं, तो अभी तक बाहर ही बैठे अपने दोस्तों के साथ। कल से तो मम्मी जी यहीं पर रहेंगी, तो भाई अपने को ज़्यादा काम रहेगा ही नहीं, बस आराम से अपना ब्लॉगिंग कर सकते हैं, नहीं तो दीदी बहुत ही काम करती है यार। तो फिलहाल अब चलते हैं और फटाफट से एडिटिंग वगैरह कंप्लीट कर लेता हूँ, ताकि शाम को फिर नींद आराम से ले सके, क्योंकि आज मैं जिम ट्रेनर ने बोला अब जितना वर्कआउट करते हो ना उतना रेस्ट भी लिया करो, क्योंकि वर्कआउट करने के बाद में बॉडी को रेस्ट की बहुत ही जरूरत रहती है। सो रात में जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए कहते, इसलिए अभी फटाफट एडिटिंग कंप्लीट करता हूँ। फाइनली एडिटिंग वगैरह कंप्लीट हो चुकी है और कब से मेरे और दीदी बाहर बैठ के बस वाईफाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर नेटवर्क तो हमारा फटाफट से कंप्लीट हो जाता है, बस वाईफाई का इस्तेमाल कर रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं, जो भी चीज़ अपने रील्स चला रही है और फिर कब से TM के वजह से देखते जा रहा हूँ। और मेरे पापा इंतजार भी कर रहे हैं यार, पता नहीं कब आएंगे, कब से इंतजार कर रहे हैं। देख रहा है काम कर, नींबू पानी पी के सो जाओ, टैबलेट है ना वो ले लो, टैबलेट पड़ा ले लेना ठीक है, देखते पता नहीं मम्मी पापा जी कब आएंगे। मम्मी पापा जी आ गए भाई, कहाँ पे है पता नहीं यार, जस्ट अभी अभी मुझे कॉल आया था और पापा जी कह रहे थे आ गए बाहर आ जाओ बोल के, लेकिन अभी तक आए नहीं, शायद आ रहे होंगे, वेटिंग करते हैं, शायद पहले ही कॉल कर दिए होंगे ताकि हम लोग बाहर आ सकें। मम्मी पापा जी हमें तो बुला लें लेकिन अभी तक आए नहीं है, तो वेटिंग करते हैं यार। बहुत ही ठंड भी लग रही है अभी तो, आपको ठंड नहीं लग रही? मुझे बहुत ठंड लग रही है बाहर आके देखो आप, गली में इतनी लग रही बाकी बाहर रोड एकदम बहुत ही ठंड लग रही है। पापा जी आ गए, ये कुछ बॉक्सेस है, बॉक्सेस लेते दो मुझे दो, तो बॉक्सेस को लेते हैं, बॉक्सेस वगैरह अंदर लेके आ गए मैंने और दीदी, एक मैं लेके आया एक दीदी लेके आया, और मम्मी जी भी आ चुकी है अभी, तो मम्मी जी फिलहाल अभी सो जाएंगे, बहुत ही थक चुकी है। और गाइस आप लोग सोच ही रहेंगे कि बॉक्स में है क्या, सो
अभी अनबॉक्स नहीं करते, कल सुबह अनबॉक्स करते हैं। तो मैं आपको कल सुबह दिखाता हूँ, लेकिन आप गैस कर बता दो यार। तो देखते हैं किसका गैस सही रहता है। तो कमेंट में लिखना मत भूलना कि बॉक्स में क्या हो सकता है। तो अभी के लिए ब्लॉग को एंड करते हैं। मम्मी जी बहुत थक चुकी हैं, पापा जी फिलहाल गए दुकान पे क्योंकि कार को वहाँ पार्क करके पापा जी एक्टिवा लेके आएंगे ना। सो थोड़ी देर पापा जी आएंगे फिर सो जाते हैं, क्योंकि मम्मी जी और पापा जी तो वही पे डिनर करके आए थे मासी के घर पे। तो हम भी बस सही सो जाते हैं, ब्लॉग को फटाफट से एंड करते हैं। आपको ब्लॉग पसंद है, अगर पसंद है तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच वॉचिंग एंड बाय बाय। फिलहाल आ चुके हैं गाड़ी को पार्क करके, तो अभी सोने चलते हैं।